जन सरोकार मंच को मेरा नमस्कार। आज पाती मुहिम के अंतर्गत मैं खतों के अफसाने लेकर आई हूँ और आपके सामने कुछ खतों की बात करूँगी, कुछ ऐसे पत्रों की बात करूँगी जहाँ से पत्रों का सिलसिला शुरू हुआ। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगी सूरज नेगी जी का, जिन्होंने पत्रों की मुहिम चलाकर इस अभियान को इतना आगे ले गए कि जो हम पुराने ज़माने में खत लिखा करते थे, जो पत्र लिखा करते थे, आज फिर से उन पत्रों का महत्व हमें समझ आने लगा है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी अशोक सक्सेना जी का, जिन्होंने इस जन सरोकार पत्र के वाचन के लिए सभी को आमंत्रित किया। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी देवेंद्र जोशी जी का, जिन्होंने जो इस कार्यक्रम में सभी पत्रवाचकों, साहित्यकारों, तरह तरह के जो कलाकार हैं, मैं देख रही हूँ लगातार उन कलाकारों को इस कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं, उनसे उनको तकनीकी सहायता दे रहे हैं, उनसे बातचीत करके और इस कार्यक्रम में वो सबको जोड़ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ आज पत्रों को लेकर कि ये पत्र जो मेरी जान है, जो मेरा एक शगल है पत्र, मैं बचपन से पत्र लिखती आ रही हूँ और मैं नहीं सोचती थी कि सूरज नेगी जी पत्रों की इस मुहिम को इस तरह इस कदर लोगों में प्रचारित कर देंगे कि मैं अपने छुपाए हुए खतों को, मैं जो चुपचाप खत लिखा करती थी उन खतों को मैं आज लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सभी जानते हैं कि जब मोबाइल नहीं था, जब फ़ोन नहीं था, जब इस तरह से डिजिटल कुछ मीडिया नहीं थे, तब पत्र ही एक सहारा हुआ करते थे और पत्र लिखते थे, फिर उसका इंतज़ार होता था। मुझे आज जैसे ही ये कार्यक्रम की सूचना मिली तो मुझे एक वो गीत याद आ रहा था, डाकिया डाक लाया। वो गाना इतना मुझे पसंद आता है कि उसमें देखो कितने अच्छे तरीके से कौन कौन लोग खत का इंतज़ार करते हैं। तो बचपन में जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने घर के कोने में एक तार लटकी हुई पाई, एक लोहे की तार हुआ करती थी, उस तार में वो खत पिरो दिया करते थे मेरे पापा और समय समय पर उन खतों को निकाल कर पढ़ा जाता था कि उनके बहन के खत हुआ करते थे यानी मेरी बुआ के खत, मेरी माँ के खत हुआ करते थे यानी मेरी नानी के खत, मेरे मामा के खत, मेरी मामी के खत, मेरी मौसी के खत, और उनको वो बहुत समय तक 2-3 साल तक उस तार में लटके रहते थे और जब उन खतों का जवाब देना होता था और तो उस खत को रेफ़र किया जाता था, यानी वो खत सामने रख के कि अरे उन्होंने क्या लिखा था, उसका जवाब हमको क्या देना है। तो जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को खतों के बीच में पाया। मैं देखा करती थी कि मेरे आसपास पड़ोस में भी खत लिखा करते थे लोग और डाकिया एक रेगुलर डाक लेकर आता था, लेकिन मेरे घर में जो खतों का एक सिलसिला था वो बहुत ही एक काव्यात्मक जैसा लगता था, एक साहित्यिक जैसा लगता था। और खत लिखते लिखते, खत पढ़ते पढ़ते और लिखते लिखते जब मैं 2 महीने के लिए अपनी ननिहाल जाया करती थी, वहाँ से खतों की बात करती हूँ कि जब मैं अपने ननिहाल जाती थी तो मैं देखा करती थी कि खतों का कितना महत्व है। और जब हम पहुँच जाते थे नानी के घर में तो मेरी और मौसी को बुलाने के लिए मेरी नानी मेरी बड़ी मामी को कहा करती थी कि आप उनको खत लिखो, मतलब मेरी नानी के माध्यम से, क्योंकि नानी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतना लिख नहीं पाती थी, तो मेरी मामी दरवाजे की दहलीज पर बैठकर पोस्ट कार्डों की एक लड़ी लेकर बैठा करती थी और उस पर जो नानी बोलती थी कि देखो संगीता आ गई है
और संगीता के भाई आ गया है रहने के लिए, अब आप भी आए, यानी मेरी दूसरी मौसी को कॉल किया जाता था उस पत्र के माध्यम से। तो मेरी मामी एक पत्र लिखने वाली बना करती थी और नीचे एक लाइन और भी लिख देती थी कि दीदी आप जरूर आओ। तो ये एक बहुत खूबसूरत सी बात मेरे जहन में बस गई। फिर मेरे तीन मामा बाहर रहा करते थे, दो मामा मेरे जर्मनी गए थे, एक मामा मेरे पिथौरागढ़ बैंक की नौकरी के लिए गए थे। तो मेरे नाना मुझे लेकर बैठा करते थे, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बच्चा थी ननियाल में और थोड़ी बड़ी थी तो मुझे लिखना भी आता था। तो नाना मुझे कहा करते थे लिख अपने मामा को चिट्ठी, और मैं जो नाना बोलते जाते थे मैं वो लिखती जाती थी। नाना ऐसे लिखते थे, अपना ध्यान रखना, खाना समय पर खाना, दही खा लेना, चावल खा लेना, दाल जरूर खाना, इस तरह की बातें लिखते थे। और मैं लास्ट में अपनी दो लाइन लिखने का लोभ संवरण नहीं कर पाती थी और मैं नीचे लिखा करती थी, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, और मैं ये गीत गाते हुए लिख देती थी। तो मुझे लगता था अरे मेरी बात भी मेरे मामा तक पहुंच गई। तो ये खतों का एक बहुत खूबसूरत सिलसिला था। उसके बाद एक समय आया कि मेरी माँ नौकरी के सिलसिले में हमसे काफ़ी दूर चली गई, और उस समय फ़ोन तो नहीं हुआ करते थे जैसे आजकल हुआ करते हैं, जो छट से फ़ोन किया और बात हो गई। तो हम माँ के खतों का इंतज़ार करते थे, और मज़े की बात यह है कि मेरे माँ पापा पंजाबी में खत लिखा करते थे, यानी उनकी लिपि गुरुमुखी होती थी। तो मैं बड़ी कसमसा जाती थी कि मैं अपनी माँ बाप की बात को नहीं पढ़ पा रही हूँ। फिर भी मैंने उनके खतों को पढ़ते पढ़ते कुछ पंजाबी सीख ली, क्योंकि मुझे पता होता था कि मेरी माँ पापा को क्या लिख रही होंगी। तो मुझे ऐसा लगता था ये आदरणीय है तो ये आ है, ये द होगा। तो इस तरह से मैंने उनकी बात को पढ़ना शुरू किया, और साथ में हिंदी में भी पत्र होता था, वो हम लोगों के लिए होता था। मम्मी हमें लिखा करती थी मैं इस तारीख को आ रही हूँ, या तुम ये कर लेना, इस बार पढ़ाई करोगे तो तुम्हें अच्छा गिफ्ट मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो थी वो बहुत खूबसूरत लगा करती थी, और हम बहुत इंतज़ार करते थे। हमारे घर के जो बाहर जो डाकिया आता था उसका आने का समय दोपहर में 3 बजे हुआ करता था, और हम खिड़की से इंतज़ार करते थे कि कब 3 बजेंगे और डाकिया आएगा और हमारी मम्मी की चिट्ठी देगा। तो ये एक दौर हमारी माँ की चिट्ठियों का था। इसके बाद मैं कुछ कैंपों में जाया करती थी, स्काउटिंग गाइडिंग में मैं गर्ल गाइड रही, और मैंने बहुत सारे कैंप अटेंड किए। तो उन कैंपों में मेरी कुछ सहेलियाँ बन गई, और सहेलियों से जब बिछड़ना होता था तो हमारे पतों का आदान प्रदान होता था। पतों का आदान प्रदान का मतलब यही होता था कि हम एक दूसरे को चिट्ठी लिखेंगे, और घर आकर हमको उनकी बहुत याद आती थी। वो एक टीनेज, एक किशोरावस्था थी जिसमें बिछड़ने का एक विरह जो होता है वो मैं आज भी महसूस करती हूँ कि किस तरह से विरह वेदना हमको हुआ करती थी अपनी सहेलियों से बिछड़ने की। और मैं वो पत्र लिखा करती थी और वो पत्रों का आदान प्रदान होता था। मुझे याद है कि मेरी एक सहेली ने एक पत्र लिखा था, वो आज भी फेसबुक पर मुझे मिल गई है वापस से, संध्या गर्ग नाम से। उसके खूब खत आते थे मुझे, तो एक बार खत, क्योंकि घर बंद था और डाकिया हमारे जानता था कि हमारे पापा किस जगह काम करते हैं, और वो जाकर उनके ऑफिस में वो खत दे आया, और पापा ने उसको क्यूरियोसिटी से खोल लिया। खोला तो उसमें गुलाब के फूल उनके टेबल पे आके गिरे। पापा ने आकर कहा कैसी तुम्हारी सहेली है जिसमें देखो गुलाब के फूल भेजे हैं इसने। तो वो भी एक बहुत सुंदर सा मुझे अभी तक याद है, वो पापा ने उसको वापस से समेटा और वापस से उसको गोंद लगाया और आकर ताकि मैं भी वो चीज़ को महसूस कर सकूं। और मैंने जब खोला तो उसमें गुलाबों के फूल इस तरह से झरे, और वो सहेली आज मुझे फेसबुक के माध्यम से मिली तो मुझे बहुत याद है। और मज़े की बात यह है कि जितने खत आज तक लिखे गए वो खत मेरे पास आज सुरक्षित हैं, और जब हम एक दूसरे को स्कैन करके आज वो खत भेजते हैं तो वो भी बहुत बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हो जाती हैं कि अरे संगीता तुमने सब ये खत संभाल कर रखे हैं। उसके बाद में एक दौर आया कि जब मेरी सगाई हो गई और राजेंद्र से सगाई हुई, और बहुत ही
अलग तरह का माहौल था जिस जब इस तरह से आजकल जैसे लड़के लड़कियां डेटिंग करते हैं या सगाई के बाद में इधर उधर घूमने चले जाते हैं, वो वैसा माहौल नहीं था। और ना ही हमारे अभिभावक हमको अनुमति देते थे कि हम इस तरह से जाएं। तो फिर भी हमने छुपते छुपाते एक दूसरे को खत पहुंचाए थे, और वो खत कभी तो हमारी खिड़की से सरका दिए जाते थे, कभी मैं अपनी सहेली के माध्यम से पहुंचाया करती थी। तो वो उस वक्त तो बड़ा डर सा लगता था, लेकिन आज वो जब वो खत भी सुरक्षित हैं और आज जब हम उनको देखते हैं तो हमें बड़ी हंसी आती है। वो इश्किया खत बड़े बड़े खूबसूरत से खत हुआ करते थे। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि जब हमने अपने ससुराल में या अपने ननिहाल में शादी के बाद एक दूसरे को जानने के लिए मैंने खूब खत लिखे। मैंने अपने ससुराल में अपनी मामी सास को, अपने मामा ससुर को, अपने मौसी सास को खत लिख कर एक दूसरे से पहचान की। मैं आज सोचती हूँ कि हमारी ये पहचान इतनी गहरी कैसे हुई। तो मुझे आज जब मैंने सब चीज़ों का रिव्यू किया इस कार्यक्रम से पहले, तो मैंने कहा अरे मैं उनको इतना कैसे जान पाई, तो वो खतों का माध्यम था। मेरी एक मौसी सास जलंधर रहती थी, एक मौसी सास मेरी दिल्ली करनाल, और मैंने उनको खत लिख कर कि मैं आपके इस खानदान की पहली बहू हूँ, तो मैंने वो खतों के माध्यम से उनको जाना। इसी तरह से एक दौर आया कि जब मेरे बहुत चचेरे भाई बहन, मेरे ममेरे भाई बहनों की शादी हुई और हम वो दूसरे परिवारों में चली गई मेरी बहनें, और मेरे भाइयों के पास बहुएं आई, तो हमने भाई बहनों ने एक दूसरे को खत लिखकर जाना पहचाना। और उनकी आज भी वो खत सुरक्षित हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे वो जो जब आज जब हमारे पास मोबाइल है तो हम इतनी जल्दी किसी को मोबाइल से फ़ोन नहीं करेंगे, अरे अभी समय नहीं है या अभी वो सो रहा है, अभी वो जग रहा है। लेकिन वो उस समय में हम ऐसा खत लिखते थे, इतने खूबसूरत खत जिसको हम समय समय पर निकाल कर वापस से पढ़ सकते थे। आज भी वो खत मेरे पास सुरक्षित हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बहन का पति या मेरी भाई की जो पत्नी है उससे हमारा संबंध किस तरह से प्रगाढ़ हुआ। तो ये भी एक सिलसिला था खतों का। फिर उसके बाद में एक सिलसिला जब आया कि जब मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया और मेरे बच्चे थोड़े से मिडिल एज के थे, तो हम तब भी मोबाइल नहीं था उस ज़माने में, इस बात सन 2000 के आसपास की है जब मोबाइल नहीं था और मैं एसटीडी पर फ़ोन करने जाया करती थी। लेकिन फिर भी एक खतों का एक सिलसिला जारी रहा क्योंकि मुझे खत लिखने का बहुत शौक़ था। तो खतों का वो खत भी आज सुरक्षित हैं, और जिस खतों के साथ में मेरे बच्चे भी दो लाइन अपने पापा को लिख दिया करते थे। तो पत्रों का जो एक खूबसूरत सी खुशबू है वो आज भी कायम है, जबकि आज हम अगर हम फ़ोन पर कितनी भी बात कर लें हम उसको सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि हम कुछ लिखने लगे, वो खतों का ही कारण था शायद, खत लिखने के कारण ही हमारी लेखनी इतनी प्रगाढ़ होती गई, धारदार होती गई और रचनाएं हम लिखते रहे। तो वो पत्र जो है वो संपादकों तक ही सीमित रह गए, लेकिन मेरा एक शगल था तो मैं अपने वो खत लिखती रही अपने दोस्तों को, अपने परिवार में। इवन मैंने देखा कि बहुत से लोग, बहुत सी बहनें राखियां भेजती हैं तो केवल राखी ही भेज देती हैं, लेकिन मुझे राखी का इसलिए इंतज़ार रहता है कि मैं अपने भाई को एक खूबसूरत सा खत लिख पाऊँगी और साल भर की जो भावनाएं हैं उसमें मैं समाहित कर पाऊँगी। तो आज भी मैं वो खत लिखती हूँ। और एक मैं आप लोगों से बहुत बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पापा को भी पत्र लिखने का बहुत शौक था, जैसे मैंने आपको शुरू से बताया कि मैं बचपन से किस तरह से खत लिखती रही। तो पापा ने मुझे शादी में, लोग तो क्या क्या गिफ्ट देते हैं, लेकिन पापा ने मुझे शादी में एक लेटर हेड गिफ्ट दिया था। शादी से पहले लेटर हेड वो वैसे आया करते थे थोड़े फ्लावर वाले पिंक कलर के, वो बाज़ार से खरीद कर, लेकिन पापा ने मुझे मेरा नाम से प्रिंट करा कर दिया जिसमें मेरा भी नाम था और राजेंद्र जी का, एक तरफ मेरा नाम एक तरफ राजेंद्र जी का नाम था। तो वो उन लेटर पैड पर मैं खत लिखा करती थी, और पापा ने बहुत साल तक ये परंपरा निभाई कि
उस लेटर हेड को मुझे हमेशा गिफ्ट करते रहे। एक बार गिफ्ट किया फिर वो गिफ्ट करते गए, और मैंने वो उस पर फिर समय समय पर मेरा डेजिग्नेशन बदलता गया। फिर मैं नौकरी में आई, फिर मैं कुछ अधिकारी बनी, फिर मैं प्रशासनिक अधिकारी बनी। तो वो जो लेटर हेड, वो देखो आज भी मैं उस परंपरा को कायम रखी हूँ, और ये लेटर हेड मेरे पास में है, यहाँ पर मेरा नाम है, और ये यहाँ पर मेरे सारी चीज़ें जो ऐड होती चली गई। जो शुरुआत में तो सिर्फ संगीता सेठी लिखा करती थी, यहाँ मेरे पति का नाम था राजेंद्र सेठी, फिर धीरे धीरे इसमें मैंने फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ब्लॉग, ईमेल, फिर ईमेल आया तो ईमेल, फिर दूसरा ईमेल बन गया, तो ये सब चीज़ें ऐड होती चली गई। और ये इसका लोभ स्मरण मैं नहीं कर पाती, मैं हर वक्त मेरे पास ये लेटर हेड रहता है। हाँ ठीक है, ये एक अलग बात है कि पहले इसकी खपत साल में 4 या 5 लेटर हेड होते थे, आज इसकी खपत सिर्फ एक लेटर हेड है। तो ये एक खूबसूरत सी चीज़ें हैं जो, और मेरे पास इतनी सारी फाइलें हैं जिसमें खत लिखा, मतलब मेरे पास सुरक्षित हैं जो लोगों के खत आए। एक चीज़ और बात बहुत बयान करना चाहूँगी कि मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी भी हैं बहुत से लोगों से। इसमें एक मेरे भैया, चचेरे भैया जो मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, राजीव, वो नेवी में थे, अब आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनसे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी। वो बहुत व्यस्त रहा करते थे, तो मैंने उनको एक बार पत्र लिखा और बहुत दिन तक जवाब नहीं आया, तो मैं थोड़ी सी निराशा हुई, मुझे लगा कि ये इतने व्यस्त हैं, इतने बड़े लोग हैं, शायद मुझे भूल गए हैं। या तो उन्होंने जब वो खत लिखा तो मेरी आँखें भर आई। उन्होंने ये लिखा कि जब तक मैं खत का जवाब नहीं देता तब तक ये खत मेरे ब्रीफकेस में रहता है, जवाब देने के बाद ही मैं इसको अपने ब्रीफकेस से हटाता हूँ। तो ये बात मैंने भी अपने गांठ बांध ली, और जब मैं भी इस तरह से, जो मेरे पास लोगों के खत आते हैं तो मैं जब तक उनका जवाब नहीं दे लेती तब तक मैं उसको अपने सामने से नहीं हटाती। ये बात मैंने अपने भैया से सीखी, और मुझे आज भी वो खत भी मेरे पास सुरक्षित है जो उन्होंने मुझे लिखा था। इसके बाद जो रचनाओं के प्रकाशन का दौर हुआ, रचनाओं को ममता मैम कह रही हैं मैं ठीक से नहीं दिख पा रही हूँ, तो रचनाओं का दौर हुआ, उसके बाद में पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, और मेरे पास पाठकों के पत्र आने लगे। एक बार तो आउटलुक में मेरी कहानी छपी थी, एक देह एक आत्मा, तो 200 खत एक साथ आए। मुझे वो संभालने मुश्किल हो गए कि मैं किस तरह से उनका जवाब दूं और किस तरह से उनको पढूं, वो भी आज एक पूरी फाइल में सुरक्षित हैं। तो इस तरह से खतों का जो दौर चला वो मेरे लिए एक प्रिय शगल था। मैं हमेशा डाकघर से जुड़ी रही हूँ, डाकघर में जाना मेरे लिए एक बहुत एक्साइटेड वाला क्षण होता है। मैं जब जाती हूँ, टिकट लगाती हूँ, ये सब करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं अगर महीने में एक बार डाकघर नहीं जाऊँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरा कोई काम छूट रहा है। चाहे मोबाइल का कितना भी युग आ गया है, लेकिन मैं खतों में विश्वास करती हूँ। और जब सूरज नेगी जी का ये कार्यक्रम आया तो सच में जो चीज़ें मैं आज आप लोगों से शेयर की हैं, मैं इनको सब अपने अंदर अंतस में छुपाए बैठी थी। मैं सोचती थी, आज ज़्यादातर मुझे लोग कह भी देते थे आजकल कौन खत लिखता है, लेकिन जब से ये आया तो आज मैंने आपको खुलकर बताया कि किस तरह से मैंने खतों का सिलसिला हमेशा जारी रखा, भले ही बीच में खतों का दौर चला गया था। और आज सूरज नेगी जी ने ये बात बतला दी कि पत्र बहुत प्रभावी होते हैं, आप अगर किसी को अपने विचार संप्रेषित करना चाहते हैं तो खत के माध्यम से आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सूरज नेगी जी ने जब बिटिया के नाम खत की बात करी तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपनी बेटी को लगातार पहले भी खत लिखती रही और पहुँचाती रही, लेकिन ये नेगी जी के माध्यम से मेरी बात को मोहर लग गई, या हमारे खतों की जो मेरा शगल है उसको एक मोहर लग गई कि नहीं, ये खत बहुत प्रभावी होते हैं, खत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, खत एक इतिहास रचते हैं, और
खतों से लोगों के दिल बदले जा सकते हैं। जैसे अभी नेगी जी ने बहुत सारी मुहिम चलाई, बेटी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, इवन शिष्य का पत्र, गुरु का पत्र, और अभी जो एक अंतिम दौर चला जो प्रकृति के नाम, बहुत ही मार्मिक विचार आ रहे थे, बहुत ही लग रहा था कि हाँ सामने ये मिल जाए तो हम इनको किस तरह से बात कर दें। हाँ, प्रकृति को कहना तो मतलब हमको खुद को ही कहना था, आपस में ही एक दूसरे को कहना था। मैंने गुरु के नाम पत्र लिखा तो मेरी आंखों से आंसू झर गए कि आज वो गुरु होते सामने तो मैं क्या उनको किस तरह से बात कर पाती। मैं हमेशा मेरे मन में कुलबुलाता था कि मैं अपने गुरु को कोई बात कहूँ या मैं अपनी मित्र को कोई बात कहूँ तो वो पत्रों के माध्यम से कही जा सकी। एक बार मुझे और भी याद आ रहा है, एक बात छूट गई कि मेरी एक सहेली है, उसके बेटा कोटा कोचिंग सेंटर पढ़ने गया था तो उसने मेरी लेखनी की बात को सोचकर बोला कि संगीता तुम समय समय पर मेरे बेटे को पत्र लिखती रहना ताकि वो अपने जो उसकी मंजिल है, जो उसका ध्येय है, जो उसका उद्देश्य है, वो उससे उसका फोकस ना हटे। और मैंने उसको बहुत से खत लिखे और डाक से पोस्ट किए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अब मैं आपको अंत में अपनी, आज क्योंकि डॉटर्स डे है तो मैं आपको अपनी बेटी को लिखा हुआ खत पढ़ के सुनाऊंगी। जी ममता जी, बिल्कुल स्थाई धरोहर होते हैं पत्र, भावनाओं का गुबार है पत्र, रिश्तों को जोड़ते हैं पत्र, स्नेहिल मित्र होते हैं पत्र, बिल्कुल संभल देते हैं पत्र। आज भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं व्हाट्सएप पे या हम डिजिटल माध्यम से ईमेल से कुछ चीज़ें आती हैं हमारे पास, हमको दोस्त लोग लिखते हैं या, तो मैं उनको संजोने की कोशिश तो करती हूँ लेकिन जो मज़ा वो पत्रों में था वो चीज़ उसमें नहीं आ पाती है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमसे डिलीट हो जाती हैं। तो मैं अपनी बेटी को जो मैंने खत लिखा, मैं वो आपके सामने पढ़कर सुना रही हूँ। हालांकि बेटी को मैंने बहुत पत्र लिखे हैं और मैंने अभी एक थोड़े ही दिनों पहले YouTube पर डाला था, आप चाहें तो मेरे YouTube लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और वो खत बहुत वायरल हुआ क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद आया और ये मैंने पत्र उसको जन्मदिन पर लिखा था। बिटिया हमारी जब अमेरिका पढ़ने गई थी तो कुछ चिंताएँ थी, कुछ मन में शंकाएँ थी और उन शंकाओं को हम इस तरह से सामने बैठकर नहीं कह सकते लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक दस्तावेज बन जाता है जिसको बार बार पढ़कर देखा जा सकता है। बीकानेर 18 फरवरी 2019। प्रिय सृष्टि, ढेर सारा प्यार, आशा है तुम सकुशल होगी, मुझे उम्मीद है कि तुम नए वातावरण में ढल गई होगी। हम यहाँ अभी तक तुम्हारी खुशी में उत्सव मना रहे हैं। तुम्हें अमेरिका राष्ट्र की छात्रवृत्ति पर पढ़ने विश्व की प्रथम स्थान के विश्वविद्यालय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा के लिए बोस्टन बुलाया गया है। जिस दिन तुम्हें इसकी खबर ईमेल से मिली थी तो हम सब कितने खुश थे, तुम्हारी आंखों से तो खुशी की अश्रुधार बह रही थी। मैं, तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन आस्था खुशी से उछल पड़े थे। तुम्हारे जाने की तैयारी में घर का माहौल भी उत्सवमयी हो गया था। तुम्हारी छोटी उम्र में यह सफलता हमें खुशी के अतिरेक से भर गई थी। पूरे 2 महीने तुम्हारे विदेश जाने की तैयारी में खुशी के साथ बीत गए थे। इस समय तुम्हारे से सारे संवाद तैयारी संबंधी ही रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर तुम्हें विदा करते समय भी अश्रुधारा के बीच तुम्हें कुछ नहीं कह पाई। अब जब तुम विदेश चली गई हो तो मन में कितनी आशंकाएं पनप रही हैं, कितने संवाद जो तुमसे किए बिना रह गए और सब मस्तिष्क के इर्द गिर्द नृत्य कर रहे हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन भी है इसलिए आज तुम्हें यह पत्र लिखने बैठ गई। सृष्टि, तुम मेरी पहली संतान हो,
मैंने ईश्वर से पहली संतान के रूप में बेटी को ही मांगा था। मैंने तुम्हारा पालन पोषण अपनी इच्छा अनुसार ही किया, लेकिन फिर भी तुम पर अपनी इच्छा को कभी नहीं थोपा। यूं तो मैं तुम्हें प्रशासनिक सेवाओं में भेजने की इच्छुक थी, लेकिन तुमने गणित विषय लेकर इंजीनियरिंग करना चाहा तो इसमें भी मेरी खुशी थी। मैं तुम्हारा सर्वांगीण विकास करना चाहती थी, इसलिए मैंने व्यक्तित्व निर्माण में सहायक सभी कलाओं में तुम्हें निपुण करने की कोशिश की। तुम जितनी अच्छी वक्ता थी उतनी ही अच्छी लेखिका भी, लेकिन तुम्हारा रुझान बोलने से ज़्यादा लिखने में रहा, इसलिए मैंने तुम्हें सारी पत्र पत्रिकाओं से रूबरू कराया और तुम पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगी और ब्लॉग लिखने में निपुण हो गई। तुमने चित्रकला में रुचि नहीं दिखाई और गीत गुनगुनाती थी, इसलिए मैंने तुम्हें हारमोनियम लाकर दिया ताकि तुम अपनी गायन कला को सुधार सको। तुम्हें विशारद कराने के लिए गुरु की व्यवस्था भी की और तुमने छोटी सी उम्र में विशारद की सफलता भी प्राप्त कर ली। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों के सामने दुनिया की हर कला को प्रस्तुत करना चाहिए और जब वो किसी कला में रुचि दिखाए तो उसके सामने रुचि का सामान बिखेर देना चाहिए तो वो अवश्य निपुण बन जाएगा। तुम्हें मैं नृत्य सिखाना चाहती थी, पर तुमने इसमें रुचि नहीं दिखाई। कोई बात नहीं, मैंने अपना रुझान भी नहीं तुम्हें सौंपा। मैं तुम्हें सिलाई कढ़ाई और सौंदर्य का कोर्स करवाना चाहती थी ताकि लड़कियां अपना कार्य खुद कर सकें। तुमने इसे मेरे कुछ तर्कों के बाद स्वीकार कर लिया था और मेरी इच्छा का सम्मान भी रखा। सिलाई सीखकर तुम अपनी ज़रूरत के कपड़े तैयार कर सकती हो और सौंदर्य प्रशिक्षण से तुम व्यस्त जीवन में घर पर ही अपना ख्याल रख सकती हो। अब तुम उच्च शिक्षा के लिए विदेश गई हो तो मेरे मन में जो विचार उपज रहे हैं वो तुमसे साझा कर रही हूँ। मुझे विदेशी संस्कृति के बारे में मैंने जो कुछ सुना और पढ़ा है उसको लेकर ही मन में कुछ आशंकाएँ हैं। माँ होने के नाते मैं तुमसे साझा करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। सृष्टि, सबसे पहले तो तुम जिस उद्देश्य से गई हो उसे कभी मत भूलना। तुम अपनी प्रतिभा के दम पर और ईश्वरीय कृपा से विकसित देश के उच्च विश्वविद्यालय में अध्ययन करोगी। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाते हुए अपने ज्ञान के सारे चक्षु खोल कर रखना। यह भी याद रखना कि यह अध्ययन तुम्हें भारत देश के विकास में लगाना है, जिस भारत की तुम बेटी हो। विदेशी संस्कृति में खुलापन झलकता है जो हम भारतीय संस्कृति के लोगों को खटकता है। मैं तुमसे उम्मीद रखूंगी कि तुम उस संस्कृति में निर्लिप्त भाव से रहकर अपनी संस्कृति को बचाए रखना। उनके आधे अधूरे पहनावे को अपनाने की कोशिश मत करना। भारतीय कपड़ों में भी आधुनिकता झलकती है। मुझे मालूम है कि विदेश में मादक पदार्थों का सेवन आम बात है। भारतीय संस्कृति में मादक पदार्थों से दूरी रखी जाती है। मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि मादक पदार्थ शारीरिक और मानसिक रूप से घातक होते हैं और कभी कभी हमारा सामाजिक स्तर भी कम कर देते हैं, इसलिए तुम मादक पदार्थों से दूरी ही रखना। विदेश में स्त्री पुरुष संबंधों में कोई नियम कायदे नहीं होते। ऐसे संबंध समाज का ढांचा बिगाड़ देते हैं। भारतीय संस्कृति में खूबसूरत परिवार समाज की इकाई होते हैं और उसमें संबंधों की विविधता हमारे जीवन में अनेक रंग भर देती है। तुम ऐसे विदेशी व्यवहार से दूरी बनाकर रखना, क्योंकि ऐसे व्यवहार तुम्हें क्षणिक आनंद तो दे सकते हैं, लेकिन जीवन में स्थायी आनंद कभी नहीं दे सकते। विदेशों में लिव इन रिलेशनशिप का भी प्रचलन है। इस प्रकार के रिश्ते असुरक्षा की भावना के कारण पनपे हैं। स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में साथ रहते हैं, लेकिन विवाह की शपथ नहीं लेते, ताकि जब भी संबंध बिगड़े तो आसानी से अलग हो जाएं। ऐसे असुरक्षित संबंध सुदृढ़ परिवार और समाज की रचना नहीं करते। मैं माँ होने के नाते तुम्हें यही सलाह दूंगी कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे संबंधों की तरफ तुम्हें ताकना भी नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी चुनने के लिए पूरा अधिकार देती हूँ। इसके लिए मैं अपनी इच्छा तुम पर नहीं थोपूंगी। हालांकि अभी तुम पढ़ाई के उद्देश्य से विदेश गई हो, इसलिए अपना ध्यान पढ़ाई में ही लगाना। फिर भी तुम्हें कोई युवक अपने जीवन साथी के रूप में पसंद आए तो मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगी।
मुझे आशा है कि तुम जीवन साथी चुनने में भारतीय मूल्यों का पूरा ध्यान रखोगी। भारत में जीवन साथी एक ही बार चुना जाता है, इसलिए स्त्री पुरुष को पति पत्नी के बजाय जीवन साथी कहा जाता है। भारतीय मूल्य भारतीय परंपराओं और भारतीय संस्कृति में तर्क और वैज्ञानिकता रची बसी है। तुम अपनी परिवार की इकाई भी पूरी करना, जीवन साथी के साथ बच्चे पैदा करने के लिए भी सोचना, क्योंकि इसी से सृष्टि पूरी होती है और हम में दायित्व की भावना भी आती है। जिस माँ ने हमें जन्म देकर ऋणी बनाया है, तो हम एक बच्चा इस संसार को देकर माँ से ऋण हो सकते हैं। सृष्टि, तुम स्त्री और स्त्री होकर तुमने पढ़ाई लिखाई करके यह मंजिल प्राप्त की है कि तुम आज उच्च अध्ययन के लिए विदेश गई हो, लेकिन आज भी बहुत सी स्त्रियां जानवरों से जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। तुम वहां रहकर उन तमाम स्त्रियों के लिए सोचना और उनके लिए काम करना जो स्त्रियां आज भी रूढ़ियों की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। मेरी माँ ने मुझमें पंख उगाए थे, पर वो पंख जिंदगी भर भीगे ही रहे। मैं उन पंखों को जिंदगी भर सुखाने का प्रयास करती रही। मैंने भी तुम्हें पंख दिए हैं और उन्हें उड़ने लायक भी बनाया है। मुझे खुशी है कि तुम उन पंखों के सहारे उड़ रही हो, लेकिन मैं तुमसे आशा रखूंगी कि उन पंखों पर विश्व की कुछ स्त्रियों को बैठाकर शिक्षा की दुनिया की सैर अवश्य करवाना, ताकि हमारा स्त्री समाज सुदृढ़ बन सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बातों का अवश्य ध्यान रखोगी और अपनी शिक्षा को भारत के बच्चों और स्त्रियों के लिए दान दोगी। जन्मदिन की मुबारक के साथ तुम्हारे माथे पर एक प्यार भरा चुंबन, तुम्हारी माँ संगीता। तो ये खत था जो मैंने सृष्टि को लिखा सूरज नेगी जी के कार्यक्रम पाती की पाती अपनों के नाम की मुहिम के तहत। और इस तरह के खत मैं अक्सर अपनी बेटियों को लिखती रही हूँ, अपने दोस्तों को लिखती रही हूँ, अपने आसपास के बच्चों को लिखती रही हूँ। अभी जो मेरा एक अगला खत जो मैं आपको बता दूँ, मैं अगला खत लिखने वाली हूँ मेरे ही बेटे के स्कूल के मैनेजमेंट को, जो इस कोरोना काल में अपने बच्चों को लाइव क्लासेस दे रहा है। मैं देख रही हूँ कि बहुत से अभिभावक बच्चों की इन क्लासेस से संतुष्ट नहीं हैं, कुछ फीस नहीं देना चाहते, कुछ उसको कोस रहे हैं कि ये किस तरह की बात है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जो भी है, आज जो टीचर्स ने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने की प्रशिक्षण प्राप्त किया, आज वो टीचर्स कितनी मेहनत के बाद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिए हैं, बच्चों को एंगेज किए हुए हैं। भले ही ठीक है वो इतना नहीं कर पा रहे, दिन में 3 ही क्लास हो पा रही है, लेकिन मैं देख रही थी कि किस तरह से बच्चों को स्क्रीन शेयर करके, स्क्रीन पर सवाल समझाकर एक एक बात का जवाब दे रही हैं। तो मेरा दिल किया मैं उनको कैसे धन्यवाद दूँ। मेरा एक दिन बहुत मन हुआ कि मैं उनको धन्यवाद कैसे दूँ, तो मेरे दिमाग में आया अरे इनको मैं खत लिखकर धन्यवाद दे सकती हूँ। तो आप भी, मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है, मेरे दोस्तों से निवेदन है कि जब भी आपके मन में कोई भाव आए, आप खत के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं। और शुक्रिया आप सभी का, आप लोग आए और मेरे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मिलते रहेंगे पत्रों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।